अरहर की दाल वैसे तो आप अपने घर में बनाते ही होंगे, लेकिन एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए। जिसको नहीं पसंद है वो भी कटोरी भर भर के खाएगा, और बिना भूख के भी आप 2 की बजाय 6 रोटियां खाएंगे। बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए फटाफट ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप अरहर की दाल लेंगे और इसको कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि इसको हमें भूनना है, हल्का सा रोस्ट करना है। पहले जमाने में आप देखे होंगे कि गांव वगैरह में जब भी अरहर से दाल बनाया जाता है तो अरहर को भूना जाता था, हल्का सा उसको रोस्ट किया जाता था और उसके बाद दाल निकाला जाता था। तो जब वो दाल बनती थी तो दाल में बहुत बढ़िया सोंधापन आता था और दाल का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो आजकल मार्केट से हम दाल लाते हैं तो ये रोस्ट नहीं रहता है, तो इसलिए पहले हम इसको हल्का सा भून लेंगे। फ्लेम लो मीडियम पर रखेंगे और चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। तो इसको भूनते हुए लगभग 2 मिनट हुआ है। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मूंग की दाल। ये मूंग की पीली वाली दाल है, आप चाहे तो छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। तो अब 2 मिनट के लिए इसके साथ में इसको भून लेंगे। मूंग की दाल डालने से इसका स्वाद बहुत गजब का आता है, तो एक बार जरूर इसको डालकर इस तरह से दाल बनाइएगा। तो पूरा समय इसको भूनने में लगभग 4 मिनट लगा है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए, और जब ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से मलते हुए 2 से 3 पानी से धुल लेंगे। अब अगर आपके पास समय है तो जब दाल ठंडी हो जाए तो आधा घंटे के लिए फुला कर रख दीजिए, और समय नहीं है तो तुरंत भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को 3 पानी से अच्छी तरह से धुल लिया है। अब इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर। छोटे साइज का या मीडियम साइज का है तो आप 2 ले लीजिएगा, और इसको इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर डालेंगे। 6 से 7 लहसुन की कलियां, और लहसुन को बीच से इस तरह से मैंने कट कर लिया है, अलग नहीं की हूँ, बस इस तरह से चीरा लगा दी हूँ। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, तो ये काफी तीखी है इसलिए मैं 2 ली हूँ। कम तीखी वाली ले रहे हैं तो आप 3 या 4 भी ले सकते हैं। 1.5 इंच घिसा हुआ अदरक, 2 छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो 1 कप और 2 टेबल स्पून दाल था, अब इसमें डालेंगे 3 कप पानी। तो ये पूरा 3 कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसका प्रेशर लगाकर मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने देंगे। 3 सीटी आने के बाद फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, अब प्रेशर अपने आप से निकलने देंगे। और अगर आप दाल को आधे या 1 घंटे के लिए भिगा कर दाल बना रहे हैं तो सिर्फ 2 सीटी में ही फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। तो अब इसका प्रेशर अपने आप से निकलने देंगे। तो प्रेशर निकल चुका है, तो ये देखिए दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब कुछ लोगों को थोड़ा इस तरह से दानेदार दाल पसंद होती है और कुछ लोगों को मिक्स, तो आप अपनी पसंद अनुसार इसको मिक्स कर लीजिए। मैं हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, तो दाल गाढ़ी और पतली भी आप अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं। मुझे दाल गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, और इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो बस इतना ही इसको मिक्स करूँगी। तो दाल हमारी तैयार है, अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। गैस पर तड़का पैन चढ़ाकर इसमें 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। घी गरम हो जाए तब इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, 2 चुटकी हींग, और जीरा चटक जाए तो 1 प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बीच से कटी हुई डाल देंगे। तड़के पर हल्का सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो तड़के पर हल्का सा कलर आ चुका है, अब फ्लेम कर देंगे बंद, और इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ इससे कलर बढ़िया आता है। मिक्स करेंगे और अब इस तड़के को दाल में डाल देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे,
तो ये बस दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से बनी हुई दाल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप भी इस तरह से हल्का सा भूनकर और इसमें 2 टेबल स्पून मूंग की दाल जरूर डालिए और फिर इसी तरह से दाल बनाइए, खाने का स्वाद कई गुना बढ़ेगा। और जिसको अरहर की दाल नहीं पसंद है वो भी बहुत मन से खाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये बिल्कुल नए तरीके से बनी हुई अरहर की दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।